चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस विधायक की बात कर लेते हैं, इंदौर से हैं। एक तरफ बीजेपी सरकार लोगों को अयोध्या दर्शन कराने के लिए रामायण पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर रही है, तो वहीं कांग्रेस विधायक इंदौर से, इंदौर क्षेत्र क्रमांक एक से संजय शुक्ला सरकार से एक कदम आगे निकल गए। वो अपने खुद के खर्चे पर अपनी विधानसभा के लोगों को अयोध्या की यात्रा करा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक की राम भक्ति, लोगों को कराएंगे राम लला के दर्शन, खुद उठाएंगे यात्रा का पूरा खर्चा। अब सियासत में विधायक की चर्चा। बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता पकड़ लिया है, और इसमें कांग्रेस के इंदौर से विधायक संजय शुक्ला तो दो कदम आगे निकल गए हैं। वे अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को खुद के खर्चे पर रामलला के दर्शन कराने के लिए भेज रहे हैं, जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर को होने जा रही है। पहले जत्थे में 600 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना होंगे। देखिए, ये यात्रा हमारे मध्य प्रदेश के अंदर पहली यात्रा है जो हमने चालू करी। मध्य प्रदेश में अभी तक किसी ने यात्रा चालू करी, क्योंकि हमारा राम मंदिर, राम भगवान का मंदिर जो नया मंदिर बनने जा रहा है, उसके लिए हमारे पूरे प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान नहीं, हमारे इंदौर और हमारे विधानसभा लोग बहुत उत्साहित थे, जाने की इच्छा थी उनकी। तो मैंने कहा कि मेरे 17 वार्ड हैं, 17 ही वार्ड में, हर वार्ड में एक महीने में 600 लोगों को मैं यहाँ यात्रा कराना चाहूँगा। मेरी पहली यात्रा 18 तारीख को 9 नंबर वार्ड चालू हो रही है। हम खुद साथ में जाएंगे, उन सबको यात्रा करा लाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि उस शांति के लिए हम लोग आशीर्वाद मिलता रहा। हम ऐसे लोग ले आते रहे, उसके लिए हम कर रहे हैं, और इसके अलावा अभी और भी यात्रा करना है हमको। बहरहाल कांग्रेस विधायक शुक्ला अलग अलग तारीख में अयोध्या की यात्रा कराएंगे। अपनी घोषित संपत्ति के अनुसार संजय शुक्ला प्रदेश के सबसे अमीर विधायक हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान 103 करोड़ 71 लाख की अपनी संपत्ति घोषित की थी। हालांकि कांग्रेस विधायक की इस अयोध्या यात्रा का बीजेपी भी स्वागत कर रही है, लेकिन कांग्रेस पर तंज कसना नहीं भूलती। यात्रा वो जिस सद्भाव से करा रहे हैं, उनको बहुत शुभकामना देती हूँ कि देर आयत दुरुस्त आए। राम जी के अस्तित्व को नकारने वाले दल के लोग, सुप्रीम कोर्ट में प्रमाण पत्र देने वाले लोग, आज सब राममय होकर उस दिशा में कुछ करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा सुखद सामाजिक संदेश कोई हो नहीं सकता। बहरहाल ये सियासत है, चलती रहेगी, लेकिन अपने आराध्य रामलला के दर्शन की आस लगाए बैठे लोगों का तीर्थ यात्रा का सपना जरूर पूरा हो सकेगा, और इसके लिए श्रवण कुमार बने हैं कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला। इंदौर से पीयूष पारे की रिपोर्ट।